गोरखपुर जिले में बृहस्पतिवार को 185 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,790 हो गई है। अब तक 257 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 13,731 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी भी 1802 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें, अगर शहर की बात करें तो 133 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को सबसे अधिक 53 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 12, शाहपुर थाना क्षेत्र में 36, रामगढ़ ताल में 1, कोतवाली में 18, गुलरिया में 11, राजघाट में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 46 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 28, कोराबार में 6, पिपराइच में 3, कैंपियरगंज में 1, ब्रह्मपुर में 1, खजनी में 2, सरदारनगर में 4, बड़हलगंज में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 6 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।